कम है, लेकिन इस शहादत की आड़ में हमारे पाक फौज और हमारे एफ सी को जो टारगेट किया जा रहा है ये काबिले मुजम्मत है। बलूचिस्तान में अगर आप एफ सी की शहादतें देखें तो साउथ में ये पिछले 2-3 महीने में बलोच अवाम के लिए जो एफ सी की खिदमत है वो नाकाबिले फरामोश है। एफ सी के कितने जवानों ने बलोचों के लिए अपनी जान दे दी और हमारे पाक फौज के जवानों ने बलोचों के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन अफसोस की बात है कि हयात बलोच की शहादत को कुछ सियासी रहनुमा कुछ ज्यादा ही उछाल रहे हैं। हयात बलोच की शहादत तो वैसे काबिले मुजम्मत है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो हमारे IGFC साउथ ने हयात बलोच की तरफ खुद जाकर और जिस एफसी के बंदे से ये जो गुनाह सजा चुका है और उसको पाकिस्तानी और अपने कानून के दायरे में जाकर वहां के पुलिस के हवाले कर दिया, ताकि ये मसला जो अदालती है अगर अदालत उसको सजा देता है तो वो अदालत की मंशा पर है। और दूसरी तरफ से हयात बलोच के पूरे खानदान ने जाकर SSP केज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि हम मुतमहन हैं ये जो IGFC ने FC के कार को गवर्नमेंट पुलिस के हवाले कर दिया है, हम इस चीज से मुतमहन हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि हमारे दुश्मनों का एक एजेंडा है जो इस मसले को बड़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक दोहरा मयार है। उसी जगह पर 2 दिन के बाद पंजगुर में जायद बलोच को शहीद किया गया, लेकिन उसके लिए सब खामोश है। हमारे तुर्बत में FC के जवानों को और FC के अफसरों को और आर्मी के अफसरों को जब दहशतगर्द शहीद करते हैं तो उसके लिए क्यों खामोश है? जब मस्तूम में नवाबजादा अकबर रेसानी को शहीद किया जाता है तो उसके लिए ये क्यों खामोश है? जब मस्तूम में 250 शोदा शहीद हुए हैं जिसमें बच्चे बड़े बूढ़े सबको शहीद किया गया, वहां क्यों ये खामोश है? जब मस्तूम में बाजार में बंगुरजी कबीले के 5 से 6 अफराद को सरेआम दहशतगर्दों ने निशाना बनाया, वहां ये क्यों खामोश है? जब मिटड़ी के करीब शहीद महराज की पूरी खानदान को 5 साल के बच्चे से लेकर 10 साल के बच्चों तक ये BLA के दहशतगर्दों ने शहीद किया, वहां ये क्यों खामोश है? जब नौशकी में हमारे भाइयों को या FC के जवानों को शहीद किया जाता है वहां क्यों खामोश है? जब 14 अगस्त के दिन बरूरी रोड पर बच्चों को शहीद किया गया वहां ये क्यों खामोश है? हम इस दौरे मयार की मजम्मत करते हैं। बलोचिस्तान के अवाम बलोचिस्तान के लोग अपने पाक फौज के साथ है, अपने FC के साथ है और हम अपने पाक फौज और FC के साथ शाना बशाना खड़े हैं।